सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने कहा था कि आप अगर हमारे साथ जुड़ गए हैं तो आपको एक से एक दमदार क्लास मिलेगी। आज सुबह से आप लोगों ने बहुत सारी क्लासेस देखी दोस्तों, उसी क्रम में आज हम लोगों की अगली क्लास जो चल रही है महामैराथन। और महामैराथन में हमने कहा था दोस्तों, एक चैप्टर एक दिन, और आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है स्पीड टाइम। जी हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, और जिसमें आपका रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन आता है दोस्तों। और अगर आपके पास कोई भी प्रैक्टिस सेट हो, तो आप उसमें देखे होंगे कि रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक बार जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए और जल्दी से आप लोग कमेंट करिए जय हिंद। एक बार जल्दी से जय हिंद लिखिए सब लोग, एक बार जल्दी से जय हिंद लिखिए। नील प्रताप, मानस अवस्थी, एक बार जल्दी से जय हिंद लिखिए। नितेश कुशवाहा, धर्मराज, शिवा, एक बार जल्दी से सब लोग जय हिंद लिखिए। गोविंद, गौरव, विजय, एक बार सब लोग जय हिंद लिखिए और शेयर करिए। मुकुंद, आज हम लोग देखिए महामैराथन क्लास देख रहे हैं दोस्तों, और हमने कहा कि ये क्लास केवल लाइव चलेगी दोस्तों, केवल लाइव चलेगी, अर्थात उसके बाद क्लास प्राइवेट कर दी जाएगी और आपको दिखेगी नहीं। अर्थात दोस्तों, 7 बजे से 8 बजे तक आपकी 1 घंटे की क्लास है, उसके बाद ये क्लास नहीं दिखेगी। उसके बाद 8 बजे आपकी विवेक सर की साइंस की क्लास है, और फिर से 8:30 बजे हम लोग देखेंगे सिक्कों की संख्या निकालना। मतलब दोस्तों, सिक्कों की संख्या का मतलब ये हुआ कि अगर कह दिया जाए कि एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 2:3:5 के अनुपात में है, तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं दोस्तों, अर्थात सिक्कों की संख्या निकालना हम लोग सीखेंगे अगले क्लास में 8:30 बजे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। और इसमें सबसे पहले केवल दोस्तों एक सूत्र आपको याद करना है, और वो सूत्र है बराबर क्या है देखिएगा, समय बराबर दूरी बटे 4। सूत्र है दोस्तों, समय बराबर दूरी बटे 4। केवल आपको यही एक सूत्र याद रखना है और आपको किसी सूत्र की जरूरत नहीं है दोस्तों। याद रखिएगा, समय का मात्रक दोस्तों सेकंड होता है, दूरी का मात्रक आपका मीटर होता है, और चाल का मात्रक दोस्तों मीटर प्रति सेकंड होता है। मतलब क्या हुआ, अगर दोस्तों आपको सेकंड में दिया रहेगा, मीटर में दिया रहेगा, तो जो चाल रहेगी वो मीटर प्रति सेकंड में दी रहेगी दोस्तों। वहीं अगर कह दिया जाए घंटा, और कह दिया जाए किलोमीटर, और कह दिया जाए दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको कहीं किलोमीटर मिल जाएगा, अगर आपको कहीं घंटा मिल जाएगा, तो जो आपकी चाल रहेगी वो आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगी। तो अर्थात दोस्तों, आपको सिर्फ दो काम करना है। पहला काम यह करना है कि समय बराबर दूरी बटे चाल, आपको यह सूत्र याद करना है दोस्तों। और दूसरा काम करना है कि ये मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा आखिर बदला कैसे जाता है। मतलब अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में दे दिया जाए और कह दिया जाए कि किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए, तब कैसे बदलेंगे। या फिर आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दे दिया जाए और कह दिया जाए मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, तब कैसे बदलेंगे। तो दो चीज हमने बताई दोस्तों। पहला चीज तो हमने ये बताया कि समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूसरा चीज हमने ये बताया कि जो बदला जाता है वो कैसे बदला जाता है। तो आइए सीखते हैं कि कैसे बदलते हैं। सुनिएगा दोस्तों, मान लीजिए कह दिया जाए कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए, 40 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए। अब मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो करेंगे क्या, सुनिएगा। ये आपका किलोमीटर है और ये आपका मीटर है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि 1000 मीटर 1 किलोमीटर में होता है। मतलब 1 किलोमीटर में दोस्तों 1000 मीटर होता है। वहीं अगर कह दिया जाए कि 1 घंटे में दोस्तों 1 घंटे में आपका 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में आपका 60 सेकेंड होता है दोस्तों। तो सुनिएगा, किलोमीटर को आपको बदलना है मीटर में, मतलब 40 है 40 इंटू किलोमीटर को जब आप मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे, यानी कि 40 इंटू 1000,
बटे। अब देखिए ये घंटा लिखा हुआ है और घंटे को हम पहले मिनट में बदलेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 60 मिनट, और मिनट को दोस्तों सेकंड में बदलेंगे तो इंटू 60 हो जाएगा, अर्थात दोस्तों 40 इंटू 1000 बटे 60 इंटू 60 हुआ क्या, सुनिएगा, दो जीरो से आपका दो जीरो कट गया, दो तिहाई छः, दो पंचे दस, इसका मतलब दोस्तों 40 इंटू 5 बटे 18, 40 इंटू 5 बटे 18। अब यहीं से हम एक ट्रिक बना रहे हैं दोस्तों, यहीं से एक ट्रिक बना रहे हैं, और वो ट्रिक क्या है, ये 40 है आपका, ये 40 है मतलब किलोमीटर प्रति घंटे को, किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, अर्थात किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, केवल गुणा कर देना है किससे, 5/18 से, बस यही चीज आप याद रखिए कि अगर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा कर देंगे। और ऐसा क्यों किया हमने, हमने आपको दिखा दिया, हमने आपको हल करके दिखा दिया कि ऐसा क्यों हुआ। तो पहला चीज आप जान गए होंगे दोस्तों कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे, यह चीज हमने बता दी। आगे चलते हैं दोस्तों, आप हमारे साथ नोट्स बनाते चलिएगा। हमने कहा कि जिस दिन मैं कह दूं कि आज आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, तो उस दिन आपके पास कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा जो आप न लगा पाए। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि नवंबर फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होना है दोस्तों, तो नवंबर फर्स्ट वीक तक हम लोग एकदम घोड़े की तरह पढ़ाई करेंगे दोस्तों, घोड़े की तरह पढ़ाई करेंगे मतलब रेस से पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं, पहला तो हमने बता दिया किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना, दूसरा देखिए मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे बदला जाएगा, मतलब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे बदला जाएगा। मान लीजिए एक मीटर प्रति सेकंड है, तो मीटर को आप किलोमीटर में बदल रहे हैं और सेकंड को आप घंटे में बदल रहे हैं। तो सुनिएगा, मीटर है ना, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, एक मीटर में 1/1000 किलोमीटर होता है, ठीक, एक मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। उसी तरह दोस्तों एक सेकंड में 1/60 मिनट होता है, और एक मिनट में दोस्तों 1/60 घंटा होता है। तो सुनिएगा, एक लिखिए इंटू मीटर को हम क्या कर रहे हैं, मीटर को हम किलोमीटर में बदल रहे हैं, और मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 1/1000 लिखेंगे। चलिए 1/1000 हमने लिख दिया, ये मीटर की जगह पे हो गया, बटे है बटे लगा दीजिए, चूंकि ये देखिए प्रति लिखा है ना, देखिए प्रति लिखा है, प्रति का मतलब हुआ बटे। अब सेकेंड को घंटे में बदलना है, तो सेकेंड को घंटे में बदलेंगे तो पहले 1/60, फिर से 1/60, अर्थात दोस्तों हो क्या गया, हमने पढ़ा है कि अगर आपको कहीं 4/ दिया रहे, कहीं 4/ दिया रहे दोस्तों, तो एकदम नीचे वाला एकदम ऊपर चला जाता है, और जो बीच में रहता है दोस्तों ये नीचे हो जाता है, मतलब ये हो जाएगा दोस्तों 60 × 60 / 1000 या फिर दोस्तों देखिए दो जीरो से दो जीरो कट गया, दो तिहाई छः, दो पंचे दस, यानी कि दोस्तों 18/5 आ गया। अब हमने क्या देखा, हमने देखा दो चीज देखा कि अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 से गुणा कर देंगे। क्या देखा दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 से गुणा कर देंगे, और अगर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा कर देंगे, बस कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें कि 18/5 कहां करेंगे और 5/18 कहां करेंगे, आइए हम बताते हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दो चीज हमने बताया, मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर प्रति सेकंड आपका, अगर मीटर प्रति सेकंड से आप किलोमीटर प्रति घंटे में जाएं, मतलब मीटर से अगर किलोमीटर में जाएं, देख रहे हैं मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं,
तो चूंकि आपका किलोमीटर बड़ा होता है ना, किलोमीटर आपका बड़ा होता है, तो जब बड़े में जाएंगे दोस्तों तो बड़ा गुणा करेंगे। मतलब अरे भाई, अगर अभी अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी तो कर न्योता दें बर्थडे पार्टी में, ठीक, बर्थडे पार्टी में अगर न्योता दें या तू जावे गिफ्ट ले, तो का उनके बड़े तू एक गुल्लक गिफ्ट लेके जावे, का उनके लिए चॉकलेट गिफ्ट लेके जावे 10 रुपया वाली, ना लेके जावे ना भाई। बड़े आदमी के यहां जा रहे हो तो जब बड़े आदमी के यहां जाते हैं तो बड़ा के गिफ्ट लेके जाते हैं, जब छोटे आदमी किया जाते हैं तो छोटा के गिफ्ट ले जाते हैं। तो दोस्तों, जब हम मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जा रहे हैं, किलोमीटर प्रति घंटा हमारा बड़ा है, तो जब बड़े में जाएंगे तो बड़ा गिफ्ट लेके जाएंगे, यानी कि 18/5 हमारा बड़ा है और 5/18 हमारा छोटा है। भाई 18/5 करेंगे तो 5 × 3 = 15, 3 दशमलव कुछ आएगा, लेकिन 5/18 करेंगे दोस्तों तो 0 दशमलव कुछ आएगा, यानी कि ई हमारा छोटा है और ई हमारा बड़ा है। तो जब बड़े में जाएंगे तो बड़ा गिफ्ट लेके जाएंगे और छोटे में जाएंगे तो छोटा गिफ्ट लेके जाएंगे, याद रहेगा, कभी भूलेगा नहीं। मतलब मीटर प्रति सेकंड से अगर किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है तो 18/5, और अगर किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो 5/18। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं, आगे चलते हैं, कुछ प्रश्न पर इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों। सुनिएगा, सबसे पहले सिंपल, जैसे कह दिया जाए कि चाल आपको दी गई है, चाल आपको दी गई है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल दी गई है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और इसे बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, इसे बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। तो हमने क्या कहा, 30 है 30 लिख लीजिए। अब देख रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदल रहे हैं, मतलब बड़े से छोटे में जा रहे हैं दोस्तों, और छोटे में जाएंगे तो छोटे से गुणा करेंगे, यानी कि 5/18 करेंगे, तो 6 × 3 = 18, 6 × 5 = 30, यानी कि 25/3 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा दोस्तों। वहीं अगर कह दिया जाए दोस्तों, ना समझ में आया हो कोई बात नहीं, कमेंट करिए, एक बार जय हिंद लिखिए दोस्तों, देख रहा हूं एकदम सन्नाटा कर दिए हैं आप लोग, एकदम सन्नाटा कर दिए दोस्तों। चलिए अच्छा एक शायरी सुनाते हैं आपको, एक शायरी सुनाते हैं, लेकिन एक शर्त पर, एक बार जल्दी से शेयर करके लौटिए, और तब तक हम एक क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद आपको एक शायरी सुनाते हैं। क्या है सुनिएगा, अगर आपको चाल दे दी जाए 45 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल आपको दे दी गई है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और इसको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, चाल दी गई है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और इसे बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। तो सुनिएगा, चूंकि हमने बताया 45 है 45 लिख दीजिए, अब देखिए हम जा कहां से कहां रहे हैं, हम जा रहे हैं दोस्तों किलोमीटर, यानी कि बड़कोआ घरे में ही आजाद कहां ही मीटर प्रति सेकंड, छोटकोए घरे में जाते ही। और दोस्तों छोटे लोगों के पास जब जाएंगे तो छोटी चीज लेके जाएंगे, यानी कि 5/18, तो 9 × 2 = 18, 9 × 5 = 45, 25/2, 25/2 यही आ जाएगा आंसर। बताइए मजा आया कि नहीं दोस्तों, समझ में आया कि नहीं, कमेंट करिए, विशाल, नितेश, मुकुंद कमेंट करिए आप लोग, ब्लैक अजगर कमेंट करिए, किशन, विमल कमेंट करिए, आप सब बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। इस बार नौकरी लेके रहनी है, और जब तक नौकरी ना मिल जाए दोस्तों सोइए मत, सोना मना है दोस्तों, दिन में बिल्कुल मत सोइएगा, दिन रात आप एक कर दीजिए, घर वाले सोचे करे का वा पढ़ डावा थे 24 घंटे, तो ऐसा कहना चाहिए घर वालों को दोस्तों, इतना पढ़िए कि घर वाले ऐसा बोले, और जब ऐसा बोल देंगे तो जान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों, तीसरा है दोस्तों, अगर कह दिया जाए कि एक रेलगाड़ी की चाल 36 मीटर प्रति सेकंड है, सुनिएगा, एक रेलगाड़ी की चाल 36 मीटर प्रति सेकंड है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी, तो सुनिएगा, 36 है 36 लिखिएगा दोस्तों। अब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जा रहे हैं, अर्थात बड़े घर में जा रहे हैं, और हमने कहा कि बड़े घर में जाएंगे तो बड़ा के गिफ्ट लेके जाएंगे, यानी कि 18/5 लेके जाएंगे दोस्तों, तो 18/5 लेकर जाएंगे, तो अब कटेगा तो है नहीं दोस्तों, क्योंकि 5 नीचे है, तो ऐसा करिए इसको आप 36 ना लेकर के 40 ले लीजिए,
ठीक, अभी चूंकि समझा रहा हूं तो इसलिए 40 ले लीजिए ताकि कट जाए। तो देखिए 5 × 5 = 5, 5 + 8 = 40, 8 × 2 = 4, 6 + 8 = 14, 144 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब चाल क्या हो जाएगी दोस्तों, चाल हो जाएगी 144 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए समझ में आया कि नहीं, बताइए कि समझ में आया कि नहीं दोस्तों, समझ में आया कि नहीं, ये कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। बदलना समझ में आ गया होगा तो मैं वादा करता हूं कि पूरा चैप्टर आप बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगेगा दोस्तों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगेगा। और क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाने के पहले केवल आप तीन चीज सुनिएगा, नियम लिख लीजिए, नियम लिख लीजिए दोस्तों, नियम एक में लिखिए, नियम एक में लिख लीजिए कि जब रेलगाड़ी, नियम एक में लिख लीजिए दोस्तों, जब रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करेगी, जब रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करेगी तो, जब रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करेगी तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर, तय की गई दूरी और दूरी के आगे बराबर लिख लीजिएगा ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई। पहला नियम है दोस्तों, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करे, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करे, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी सिग्नल को पार करे, तीन चीज हमने बताया, क्या बताया, अगर ना समझ में आया तो इसे लिख लीजिए बगल में, आदमी, सिग्नल, खंभा। ठीक, चाहे आदमी को पार करेगी, चाहे सिग्नल को पार करेगी, चाहे खंभे को पार करेगी, जो ट्रेन द्वारा चली गई दूरी है वो ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। पहला चीज समझ में आया। नियम नंबर दो में लिखिए दोस्तों, नियम नंबर दो में लिखिए, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो, पार करेगी तो ट्रेन द्वारा चली गई दूरी, तो ट्रेन द्वारा चली गई दूरी बराबर, ट्रेन द्वारा चली गई दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। सुनिएगा आगे, अब देखिए जैसे इसमें हमने कहा कि यही चीज अगर आदमी रहेगा तब भी, सिग्नल रहेगा तब भी, खंभा रहेगा तब भी, उसी तरह दोस्तों चाहे ट्रेन आपकी प्लेटफॉर्म को पार करे, चाहे ट्रेन आपकी किसी ट्रेन को पार करे, चाहे ट्रेन आपकी किसी पुल को पार करे, या ट्रेन आपकी किसी सुरंग को पार करे, क्या बताया सुनिए, चाहे ट्रेन आपकी किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, तो प्लेटफॉर्म तो हमने लिख ही दिया है दोस्तों, लिख लीजिए, किसी पुल को पार करे, किसी सुरंग को पार करे, या फिर किसी ट्रेन को पार करे, तो अगर पुल को पार करेगी दोस्तों तो जहां प्लेटफॉर्म है वही पुल हो जाएगा, अगर सुरंग को पार करेगी तो जहां प्लेटफॉर्म है वही सुरंग हो जाएगा, और अगर ट्रेन को पार करेगी तो जहां प्लेटफॉर्म है वही ट्रेन हो जाएगी। ठीक, चलिए दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, क्या कह रहा है सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा है, क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है दोस्तों एक मालगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, एक मालगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है,
यह प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है। क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, क्या कह रहा है सुनिएगा। एक मालगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है दोस्तों, एक मालगाड़ी है और इसकी लंबाई जो है दोस्तों 120 मीटर है। एक मालगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, यह प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को, खड़े एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति खड़ा है दोस्तों और इस व्यक्ति को यह ट्रेन जो है 10 सेकंड में पार कर देती है, 10 सेकंड में पार कर देती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए, रेलगाड़ी की चाल बताइए अर्थात चाल बराबर वाट। देख रहे होंगे दोस्तों क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक मालगाड़ी 120 मीटर लंबी है, यह प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर देती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो दोस्तों एक सूत्र हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि सूत्र होता है आपका समय बराबर, समय बराबर दूरी बटे चाल। अर्थात दोस्तों इसमें हमको समय दिया गया है, इसमें हमको चाल निकालना है और इसमें हमको दूरी पहले पता करनी है कि कितनी दूरी ट्रेन चली। तो दोस्तों सुनिएगा, अगर मान लीजिए या यही एक व्यक्ति हो और ये आपकी ट्रेन आ रही है, तो सुनिएगा कि इस व्यक्ति को पार करने में इस ट्रेन को कितनी दूरी चलनी पड़ रही है। सुनिएगा, अभी ट्रेन से और व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अब देखिए दोस्तों, अभी भी कोई संबंध नहीं है। अब देखिए, अब जो है ट्रेन उस व्यक्ति को पार करना शुरू करेगी दोस्तों, अर्थात यहां से पार करना शुरू की, अब कितना चल रही देखिएगा, अर्थात यहां तक चली, मतलब उस ट्रेन को, उस आदमी को पार करने में यही इतनी दूरी चलनी पड़ी दोस्तों। अर्थात दोस्तों क्या हुआ, यहां पर समझिएगा, ये ट्रेन आपकी यहां से शुरू होगी और कब तक लिया जाएगा, जब ट्रेन आपकी यहां पहुंच जाएगी तो जान लीजिए कि उस आदमी को ट्रेन ने पार कर दिया। मतलब कितनी दूरी चली ट्रेन, ट्रेन जो है इसी ट्रेन की लंबाई के बराबर चली। और अभी अभी हमने नियम एक में लिखाया कि जब कोई ट्रेन किसी आदमी, किसी खंभे या किसी सिग्नल को पार करती है, तो ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी ट्रेन की लंबाई ही होती है। तो सुनो, लिख लीजिए, ट्रेन के द्वारा चली दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई, और ट्रेन की लंबाई कितनी है दोस्तों, 120 मीटर है, और समय आपको पता है दोस्तों, समय कितना है, 10 सेकंड है, और हमको पता है दोस्तों समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय है 10, दूरी है आपका 120, चाल आपको निकालनी है, या फिर दोस्तों यहां जान लीजिए बटे एक है, इसका गुणा कर दीजिए, इसका गुणा कर दीजिए, यानी कि चाल बराबर 120 बटे 10, यानी कि 12 मीटर प्रति सेकंड, यही आ जाएगा आपका आंसर। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 मीटर प्रति सेकंड। कुछ बच्चे कह रहे हैं दोस्तों, देख रहा हूं कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर इतना लंबा लगाएंगे तो समय बीत जाएगा। बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, अभी आप लगाइए, उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सॉल्व कैसे होगा देखिए ट्रिक में। ट्रिक में देखिए दोस्तों, चूंकि हमको पता है कि दूरी कितना चल रही है 120, समय कितना लग रहा है 10, तो चूंकि हमको पता है, क्या पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और डायरेक्ट 120 बटे 10 कर देंगे तो 12 मीटर प्रति सेकंड यही आ जाएगा आंसर। देख लीजिए, कम समय में लग गया ना, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी आपको दी गई थी 120 और समय आपको दिया गया था 10, यानी कि 120 बटे 10, यानी कि आपका क्या गया, 12 मीटर प्रति सेकंड। तो चाहे दोस्तों आप इस तरह लगाइए, चाहे इस तरह लगाइए, अभी आप ये वाला नियम सीखिए और ये तो अपने आप आ जाएगा, परेशान मत होइए। जो आपकी प्रैक्टिस बैच चल रही है रागा वाली 12 बजे दोपहर को, उसको आप देखिए, उसमें सारी चीजें शॉर्ट में कैसी करनी है, अपने समय के अंदर अंदर प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, वो चीज आपको 12 बजे वाली क्लास में बताई जा रही है, उसको आप जरूर देखिएगा। तो एक बार जल्दी से जय हिंद लिखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन अगर समझ में आया हो तो जय हिंद लिखिए, और ना समझ में आया हो तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन समझ में आएगा। एक बार जय हिंद लिखिए दोस्तों, एक बार जय हिंद लिखिए। तो चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न पर क्या कह रहा है, सुनिएगा। 100 मीटर लंबी कालिका एक्सप्रेस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से
रेलवे लाइन के समीप खड़े एक चाय वाले व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी? जी हाँ दोस्तों सुनिएगा, 100 मीटर लंबी एक ट्रेन है आपकी, एक ट्रेन है दोस्तों, और ये ट्रेन आपकी 100 मीटर लंबी है। कितने मीटर लंबी है? 100 मीटर लंबी है, और कह रहा है कि इसकी चाल जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल कितना है दोस्तों? चाल आपकी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर आगे कह रहा है कि रेलवे लाइन के समीप खड़े एक चाय वाले को कितने समय में पार कर देगी? तो दोस्तों एक चाय वाला खड़ा है, ये मत समझिएगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी खड़े हैं, चाय वाला खड़ा है, याद रखिएगा, चाय वाला खड़ा है दोस्तों, अपना चाय लेकर के सोच रहा है ट्रेन आए तो हम बेचें चाय गरम चाय, तो गरम चाय मत पीजिए अभी, मुंह जल जाएगा। चलिए देखिए, तो इसमें हमको निकालना है कि कितने समय में पार कर देगी, अर्थात समय हमको निकालना है, और हमको पता है दोस्तों समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो हमको दूरी पता होनी चाहिए, हमको चाल पता होनी चाहिए। तो देख रहे हैं दोस्तों, क्या देख रहे हैं? चाल जो दी गई है किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है। किसमें दी गई है? किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है। हमने कहा कि अगर आपका ये मीटर में रहेगा तो इसको भी मीटर में बदलेंगे, अगर ये आपका किलोमीटर में रहेगा तो ये भी आपका किलोमीटर में रहेगा। सारी चीज आप एक मात्रक में मान लीजिए, चाहे आप इसको किलोमीटर में कर दीजिए, चाहे आप इसको मीटर में कर दीजिए। तो चलिए हम किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकेंड में बदलते हैं, अर्थात 30, और ये बड़ा है, बड़े से छोटे में जा रहे हैं, छोटे में जाएंगे दोस्तों तो छोटे से गुणा करेंगे, ये अब आपका हो गया मीटर प्रति सेकेंड। 6 × 3 = 18, 6 × 5 = 30, 5 × 25 = 3 मीटर प्रति सेकेंड। आपको चाल मिल गई 25/3 मीटर प्रति सेकेंड, और आपको दूरी कितना है, दूरी देख लीजिए, और हमने कहा दोस्तों कि चाहे आप खंभे को पार करें, चाहे आप किसी आदमी को पार करें, चाहे आप सिग्नल को पार करें, जो दूरी रहेगी वही ट्रेन की लंबाई ही होगी, अर्थात दूरी हो जाएगी 100 मीटर। तो मान रख दीजिए दूरी आपकी 100 मीटर है, चाल आपका 25/3 है दोस्तों, तो 3/5 का मतलब ये 3 आपका ऊपर चला जाएगा, अर्थात 100 × 3/25, तो 25 × 4 = 100, और 4 × 3 = 12 सेकेंड। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब कि ये ट्रेन जो है इस आदमी को 12 सेकेंड में पार कर देगी, ये ट्रेन जो है इस आदमी को 12 सेकेंड में पार कर देगी। किसी को कहीं समस्या हो बताइए, किसी को कहीं भी समस्या हो दोस्तों तो बताइए। यह था आपका टाइप 1। अभी जो हमने दो क्वेश्चन देखा दोस्तों, दोनों क्वेश्चन टाइप 1 से देखा, आपको इसकी पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप पर, टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, तीनों जगह भेज दी जाएगी। आप इस पर प्रैक्टिस करिएगा, पूरा एकदम धुआं धुआं उड़ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं आगे टाइप 2। जी हां दोस्तों, आगे देखते हैं टाइप 2, और टाइप 2 में क्या है सुनिएगा। टाइप 2, टाइप 1 में हमने देखा कि जब ट्रेन किसी आदमी को पार करे, या किसी खंभे को पार करे, या किसी सिग्नल को पार करे। दूसरा देखिए, जब ट्रेन किसी सुरंग को पार करे, किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, या किसी पुल को पार करे, या किसी ट्रेन को पार करें, तब क्या नियम है वो देखिएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा है, क्या कह रहा है सुनिएगा। कह रहा है एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 200 मीटर है, सुनिएगा, एक रेलगाड़ी है और इसकी लंबाई जो है 200 मीटर है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 200 मीटर है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है कि यह रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को कितने समय में पार कर देगी, यह रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को कितने समय में पार कर देगी यदि प्लेटफार्म की लंबाई 400 मीटर है। मतलब एक प्लेटफार्म है दोस्तों, एक प्लेटफार्म है और यह रेलगाड़ी जो है
इस प्लेटफॉर्म को या रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर देगी। प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है वो 400 मीटर है। तो बिल्कुल भी दोस्तों परेशान मत होइएगा, यही है, ये आपका प्लेटफॉर्म है और ये आपकी रेलगाड़ी है। तो हमने कहा दोस्तों बिल्कुल भी परेशान मत होइए, सबसे पहले आप यहां पर देखिए किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको आप मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए। क्यों बदलेंगे? क्योंकि देख रहे हैं दोस्तों यहां भी मीटर है, यहां भी मीटर है, तो चलिए बदलते हैं मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे दोस्तों, तो 60 किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जा रहे हैं, कम में जा रहे हैं दोस्तों, यानी कि 5/18, 6 × 3 = 18, 6 × 2 = 60, 10 × 5 = 50 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड। चाल हमको मिल गई 50/3 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए दूरी क्या है, तो दूरी में हमने बताया दोस्तों नियम 2 में मैंने लिखवाया कि अगर आपकी ट्रेन आपके प्लेटफॉर्म को पार करेगी, आपके सुरंग को पार करेगी और या फिर आपके पुल को पार करेगी, तो जो ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी रहेगी वो क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। क्या लिखा था क्वेश्चन, क्या लिखा था? अरे समझ लिया क्वेश्चन, तो फोटो खींच लिया है ना, पहले क्वेश्चन समझ लिया ओका तो खींच ले, लिख ले। आगे देखिए, यानी कि दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है, बराबर ट्रेन की लंबाई कितनी है देखिए 200 मीटर, तो ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 400 मीटर, यानी कि 4×2 = 600 मीटर। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि इस ट्रेन को, इस प्लेटफॉर्म को पार करने में 600 मीटर चलना पड़ेगा। समझिएगा, सुनिए, यही आपका प्लेटफॉर्म है, यह आपकी ट्रेन है, इस प्लेटफॉर्म को यह ट्रेन कब पार करेगी, सुनिएगा, अभी नहीं पार करेगी, अब स्टार्ट करेगी पार करना। और यह कब तक पार करेगी, अभी दोस्तों पार नहीं की है, अभी यह चल रही है, अभी चल रही है, अभी चल रही है यहां पर, अब जाके पार की, यानी कितनी दूरी चली दोस्तों, तो ये ट्रेन जो है कुल टोटल इतनी दूरी चली, मतलब ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, वही चीज हमने लिखा, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी कि टोटल 600 मीटर चली और हमको निकालना था समय, कितने समय में पार करेगी, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी आपका 600 मीटर है और बटे चाल आपका ये आपने निकाला है 50/3, तो 3 आपका ऊपर हो जाएगा, यानी 0 0 कट जाएगा, 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10, तो अर्थात 12 × 36 सेकंड। इसका मतलब यह हुआ कि यह ट्रेन जो है इस प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर देगी। जी हां दोस्तों, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कहीं कोई दिक्कत हो दोस्तों बताइए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। आशीष, नितेश, अभी और नितिन राठौर, ब्लैक अजगर, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, एक बार शेयर करिए तभी तो मजा आएगी। हाँ, जब शेयर करेंगे दोस्तों तभी तो मजा आएगी, तो शेयर करिए एक बार, एक बार सब लोग शेयर करिए दोस्तों। अच्छा चलिए, शेयर नहीं, जय हिंद लिखिए, जय हिंद लिखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, बता रहे हैं दोस्तों एकदम हवा हो जाएगा, चाहे जो भी प्रश्न हो बाहर कहीं से नहीं आना है, यहीं आपको मिल जाएगा। सुनिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 200 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर एक पुल को पार करने में 55 सेकंड लेती है, तो पुल की लंबाई क्या होगी। सुनिएगा क्या कह रहा है, 200 मीटर एक लंबी ट्रेन है, एक ट्रेन है दोस्तों और यह ट्रेन 200 मीटर लंबी है, 200 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो चूंकि रफ्तार, रफ्तार का मतलब चाल दिया गया है, कह रहा है कि चलकर एक पुल को 55 सेकंड में पार कर लेती है, 55 सेकंड में पार कर देती है, तो समय दिया गया है 55 सेकंड, तो कह रहा है कि पुल की लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों एक पुल को पार कर रही है ट्रेन, ट्रेन एक पुल को पार कर रही है,
हम मान लेते हैं कि मान लीजिए कि पुल की लंबाई यक्स है। हमने नियम में लिखाया दोस्तों कि अगर ट्रेन आपकी पुल को पार करे या प्लेटफॉर्म को पार करे या सुरंग को पार करे, इसको पार करने में जो दूरी चलनी पड़ेगी उसको, यानी कि जो दूरी चलनी पड़ेगी वो आपकी ट्रेन की लंबाई और प्लस पुल की लंबाई, ट्रेन की लंबाई और प्लस पुल की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई है 200 और पुल की लंबाई है यक्स, चूंकि मीटर है तो इसलिए इसको भी मीटर कर दीजिए, यानी कि कुल दूरी आपको 200 प्लस यक्स मीटर चलनी पड़ेगी। पता है हमको, क्या पता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय कितना दिया गया है? समय दोस्तों 55 सेकेंड बराबर दूरी कितना है? 200 प्लस यक्स और बटे चाल। चाल दोस्तों देखिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब रुक जाइए, यहां पर सेकेंड है, यहां पर मीटर है, तो ये कैसे किलोमीटर प्रति घंटे में है? इसको भी हम पहले क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेंगे। तो चलिए बदलते हैं, 36 है 36, किलोमीटर प्रति घंटा है, बड़ा है, बड़े से छोटे में जा रहे हैं दोस्तों, तो इनटू ये हमारा क्या हो जाएगा, 5/18। तो 18 × 36 2×5 = 10 मीटर प्रति सेकेंड। चाल हमारी हो गई दोस्तों 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो बटे चाल की जहां पे 10 हो गया, जान लीजिए बटे एक है, इसका इसका गुणा कर दीजिए, यानी कि 200 प्लस यक्स बराबर 55 × 10 करिए तो 55 × 550। तो यहां से यक्स का मान निकालेंगे तो 550 माइनस 200 या फिर दोस्तों यक्स बराबर 350 मीटर। वही चीज कह रहा था कि पुल की लंबाई क्या है, तो दोस्तों पुल की लंबाई हो जाएगी 350 मीटर। यही आ जाएगा आपका आंसर। किसी को कहीं दिक्कत हो तो बताइए, किसी को कहीं दिक्कत हो तो बताइए। और शॉर्ट में कुछ नहीं करना दोस्तों, शॉर्ट के लिए हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई x मान लीजिए, केवल आप यही रखिए समय बराबर दूरी बटे चाल। समय दिया गया है 55, दूरी दी गई है आपकी 200 प्लस यक्स और चाल आपकी दी गई है 36, तो 36 को आप चेंज कर लीजिए 10, तो यही डायरेक्ट हो जाएगा, हल कर लीजिए आंसर आ जाएगा। तो शॉर्ट में कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, पहले आप इस तरह लगाना सीखिए, शॉर्ट अपने आप हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, कहीं पर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, और आप लोग कहीं कोई समस्या हो तो बताइएगा, आपका हर समस्या हल की जाएगी। जैसे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर पुल को पार करने में 30 सेकेंड का समय लेती है। सुनिएगा, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, अब कह रहा है कि 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में, 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेती है? देखिए 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकेंड का समय लेती है। तो समय आपको दिया गया है 30 सेकेंड, ठीक। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि तो लेती हो तो 370 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को, 370 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को, इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 370 मीटर। ये क्या है? आपका प्लेटफॉर्म है। 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? बस यही क्वेश्चन है दोस्तों, सुनिएगा। ट्रेन जब इस पुल को पार कर रही है तो 30 सेकेंड ले रही है, ठीक। कह रहा है कि यही ट्रेन जब इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितना समय लेगी, सुनिएगा। अर्थात हमको पता है कि अगर पार करने में समय ले रही है दोस्तों, तो समय का मतलब समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दोस्तों दूरी तो हमको पता है कि प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो जो दूरी चलना पड़ेगा वो ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। तो दूरी तो हमको पता है दोस्तों, 150 ये और 370 ये, यानी कि दूरी आपका हो जाएगा 150 प्लस 370 बटे चाल। अब चाल तो हमको नहीं दिया गया है, क्या चाल दिया गया है दोस्तों?
चाल देख रहे नहीं दिया गया, तो इसलिए सबसे पहले इससे इस मान से हम पहले चाल निकालेंगे। तो चाल निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हमको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और दूरी कितना चलेगी इस पुल को पार कर रही है ना, पुल को पार कर रही है, यानी कि दूरी चलेगी दोस्तों 150 और प्लस 500। कैसे कि 150 प्लस 500 समझ में आया? नियम एक है, जो बच्चे बीच में जुड़ेंगे वो एक बार और देख लेंगे दोस्तों, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद वीडियो नहीं दिखेगी, इसलिए उसका नुकसान उनको खुद भरना पड़ेगा। चलिए देखते हैं आगे, 150 प्लस 500 और बटे समय, दोस्तों समय दिया गया है 300 सेकेंड, तो बटे 300, या फिर दोस्तों 5 × 650 बटे 300, जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 × 36, 5 × 5, 5 × 5, 15, यानी कि दोस्तों आ गया 13/6 मीटर प्रति सेकेंड। जी हाँ दोस्तों, आपकी चाल आ गई 13/6 मीटर प्रति सेकेंड। अब यही चाल उठा के यहां पे रख दीजिए, तो दोस्तों ये हो जाएगा 13/6, और इसको हल करेंगे तो देखिएगा, इधर हल करते हैं इसको दोस्तों, इधर हल करते हैं ऊपर, बराबर है बराबर 150 प्लस 370, 0, 7, 5, 12 की दो हसिल लगेंगे, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 520, 520 बटे चाल। देखिए दोस्तों 13 और ये 6 आपका ऊपर चला जाएगा, तो देखिए 13 का पहाड़ा पढ़िए, 13 × 4 = 52, 13 × 1 = 13, 13 × 4 = 52, 40, और 40 × 6 करेंगे दोस्तों तो 4 × 6 = 24, 240 सेकेंड। चूंकि क्या कह रहा है, समय ज्ञात कीजिए, तो समय आपका हो जाएगा 240 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये ट्रेन जो है, ये ट्रेन 370 मीटर प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी, तो 240 सेकंड में पार करेगी दोस्तों। कितने समय में पार करेगी? 240 सेकंड में पार करेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तेरह चौको बावन हो था ना, ठीक। कहीं कोई दिक्कत हो दोस्तों तो कमेंट करिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिएगा, एक मिनट रुक जाइएगा। दोस्तों गलत कर दिया आप लोगों ने, गलत कर दिया ना, कहां गलत है देखिएगा, रुक जाइए। यहां पर आपका हो जाएगा समय, और समय दिया है 30 सेकेंड, तो यहां पर 300 सेकेंड कहां से आ गया, बैठा मतलब देखत नहीं ना तू सवान, ऐसे पढ़वा मतलब गुरुजी जो लिखा है सब सही है लिख डावा। तो सबसे पहले हमने कहा कि चाल निकालेंगे, और चाल निकालने के लिए दूरी बटे समय होता है, और यहां पर 150 प्लस 500 है। आप लोगों ने भी कमेंट नहीं किया था, किसी बच्चे ने भी कमेंट नहीं किया, बताइए कि यहां 30 है तो यहां 300 कैसे हो जाएगा, 30 ही तो रहेगा, मतलब 5 × 650 बटे 30 हो जाएगा, और इसका मतलब हुआ दोस्तों 65/3 हो जाएगा। चाल आपको मिल गया 65/3, तो जब इसको पार करेगा प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूरी आपका 370 ये, 150 ये, तो 3 × 1 = 400 और 7 × 5 = 12, 520 हो जाएगा, और चाल आपकी हो जाएगी 65/3। अब इसको हल कर लीजिए दोस्तों, 13 × 5 = 65, 13 × 4 = 52, 40 और 5 × 48 = 24 सेकेंड। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ट्रेन जो है इस प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी, तो 24 सेकंड में पार कर देगी। जी हां दोस्तों, ये ट्रेन इस प्लेटफार्म को 24 सेकंड में पार कर देगी। आगे चलते हैं और एक प्रश्न और देखते हैं दोस्तों, एक प्रश्न और देखते हैं अगले नियम से, नियम नंबर तीन में देखते हैं दोस्तों, और नियम तीन में हम देखेंगे औसत चाल
ज्ञात करना। जी हाँ दोस्तों, औसत चाल ज्ञात करना मतलब दोस्तों क्वेश्चन क्या है सुनिएगा। एक साइकिल सवार, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, क्या कह रहा है कि एक साइकिल सवार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कुछ दूरी तय करता है। कुछ दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करता है। यशवंत बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा कुछ दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करता है। यश टू बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, एक है आपका कुछ दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करता है, कुछ दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करता है, तो औसत चाल क्या होगी? क्या चीज दोस्तों, औसत चाल क्या होगी यही पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, जब भी आपको दो चाल दी गई हो, कितनी चाल दोस्तों, दो चाल, जब दो चाल दी गई हो तो औसत चाल का फार्मूला होता है 2S1S2 बटे S1+S2। बस यही याद रख लीजिएगा, औसत चाल बराबर होता है 2S1S2 बटे S1+S2। कब? जब दो चाल दी गई हो। अगर दो से ज्यादा चाल दी गई हो तो जो औसत चाल का फार्मूला होता है, औसत चाल बराबर वो होता है दोस्तों कुल दूरी और बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय होता है। अगर आपको दो से ज्यादा चाल दी गई हो, मतलब कि एक आदमी जो है ए से बी 10 किलोमीटर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, बी से सी 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, सी से डी 20 किलोमीटर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, तो दूरी आपको 3 दी गई है, चाल आपको 3 दी गई है, तो वहां पर जो सूत्र लगेगा औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय का लगेगा। तो देखते हैं दोस्तों, औसत चाल बराबर 2S1S2/S1+S2। तो देखिए, S1 है 50, तो 2×50 और × 60 बटे S1+S2 यानी कि 50+60। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, 2×50×60 बटे 6×5=11110। जीरो से जीरो आपका कट जाएगा, आएगा क्या, 50 × 100 और 100 × 6 600 बटे 11। अब देखिए किलोमीटर प्रति घंटे में है तो किलोमीटर प्रति घंटा, यही आ जाएगा आपका आंसर। किसी को कहीं दिक्कत तो नहीं है दोस्तों? किसी को कहीं भी दिक्कत हो तुरंत कमेंट करिए, बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं। समझ में आ रहा हो तो एक बार जय हिंद लिखिए दोस्तों, समझ में आ रहा हो तो एक बार जय हिंद लिखिए। आपका कमेंट मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, उसके लिए परेशान ना होइएगा, क्योंकि हम लोगों को जहां तक ये है कि आपको तीन नियम पूरा बता दिया जाए दोस्तों, तो तीन नियम आज बता देंगे तो तीन नियम कल बता देंगे, 6 नियम में पूरा खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आखिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन अगले नियम से है, इसी में के औसत चाल निकालना है उसमें भी। क्वेश्चन क्या लिखा है देखिएगा, एक कार 3 किलोमीटर की 3 क्रमिक दूरी, मतलब 3 किलोमीटर की 3 क्रमिक दूरी, मतलब 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर की 3 क्रमिक दूरी। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि 3 3 किलोमीटर की दूरी है उसमें। आगे क्या कह रहा है कि क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। क्या क्या कह रहा है सुनिएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो कह रहा है कि उसकी औसत चाल क्या होगी, औसत चाल क्या होगी, और हमने फॉर्मूला बताया औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है भाई, 3+3+3 बटे कुल समय कितना लग रहा है। तो हमको पता है दोस्तों समय बराबर दूरी बटे चाल, तो समय अर्थात ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, तो T1 हमने कहा दोस्तों समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी आपकी 3 है, चाल आपकी 10 है, तो समय T1 क्या हो जाएगा, 3/10। दूरी आपकी 3 है, चाल आपकी 20 है, T2 बराबर क्या हो जाएगा, 3/20। दूरी आपकी 3 है, चाल आपकी 60 है, तो T3 बराबर क्या हो जाएगा, 3/60।
यानी कि कुल समय का मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 या फिर दोस्तों 3 × 3 = 6 × 3 = 9 T1 3/10 T2 3/20 T3 3/60 3 इसमें भी है 3 बाहर कहला का बचे 10 20 और 60 का एलसीएम लेंगे दोस्तों तो 60 हो जाएगा 10 × 6 = 60 20 × 3 = 60 3 + 60 = 61 कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा 3 × 3 = 9 6 × 3 = 9 = 10 और ये 60 ऊपर आ जाएगा यानी कि 3 × 60/10 और 10 × 60 यानी कि 6 × 3 = 18 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि औसत चाल क्या हो जाएगा दोस्तों तो औसत चाल हो जाएगा हमारा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये था दोस्तों आज हमने 3 टाइप पढ़ा। अभी आपकी आगे क्लास है विवेक जी की तो आप उस क्लास का आनंद लीजिए और पढ़िए। उसमें आपको साइंस मिलेगा दोस्तों, जो साइंस पूछा जाता है आपकी परीक्षा में उस तरह के साइंस जो है आपको अगली क्लास में मिलेगा 8 बजे। उसके बाद 8:30 बजे फिर से मैं आऊंगा जिसमें आपको सिक्कों पर आधारित प्रश्न बताऊंगा। तो लगातार आप लगे रहिए दोस्तों और आप दिन रात दोस्तों एक कर दीजिए। जब तक नौकरी न मिले दोस्तों तब तक आपको कोई और काम नहीं करना है, मतलब नवंबर तक जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखिए। और कहीं भी कोई भी समस्या हो तो आपका बड़ा भाई, आपका छोटा भाई, आपका सर, जो भी मानते हो आपके साथ हैं। किसी भी समय आप अगर अपने प्रश्न को पूछेंगे तो आपको जवाब जरूर मिलेगा दोस्तों। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।